अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, परंतु ये अत्यंत ही मूल्य रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पूजा स्पेशल। और आज की वीडियो में आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिसको यूज़ करके मैं अपने बच्चों और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। तो शायद आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो ये सुबह का मॉर्निंग का समय है और यहाँ पे मैं बच्चों की फ्रूट्स के लिए दोनों के अलग अलग जो है डिब्बे पैक कर रही हूँ। इनका फ्रूट और खाने का जो डिब्बा है अलग अलग है। शाम को स्कूल से आने के बाद फ्रेंड्स, मैं सुबह ही ये पुदीना जो है रख गई थी इसी तरह से टेबल के ऊपर, तो ये अच्छे से सूख चुका है। और इसका जो पाउडर है वो मैं इस जो आपको डिब्बा दिख रहा है, ये बच्चों के टिफ़िन का ही बॉक्स है, इसमें जो है इस तरह से हाथों से ही क्रश करके इसमें डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो इसे छान कर भी ले सकते हैं, परंतु मैं जो चाह रही थी कि ये इसी तरह से मैं बच्चों को दूँ, तो मैं इस तरह से इसे क्रश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बच्चों की छाछ वगैरह बच्चे पीते हैं क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। गर्मी में हमें जो वाटरी फ्रूट्स हैं और छाछ हैं उनको अच्छे से लेना चाहिए। उनकी क्वांटिटी भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितनी हमें हमारे लिए ज़रूरत है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर पुदीना तो मैंने क्रश करके डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर ये भुना हुआ जीरा रखा हुआ है, इसको भी मैंने मिक्स करके इसमें मैं मिक्स करके डाल दूँगी। फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं भुना हुआ जीरा ही छाछ में डालकर पीते हैं, पर मैं इनके लिए ये एक तरह का पाउडर बना के तैयार करके रख रही हूँ ताकि छाछ जब भी ये पिए तो ये उस समय इसमें ये डाल लें, क्योंकि बच्चे जो हैं खुद स्कूल से पहले मेरे से पहले आ जाते हैं तो ये खुद ही से छाछ वगैरह बना कर पी लेते हैं। तो मैं ये डब्बा बनाने के बाद इन्हें बता दूँगी कि बच्चों ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने डब्बा पैक तो कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इसमें मैंने सेंधा नमक नहीं मिलाया है, तो सेंधा नमक भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर बच्चे छाछ बनाते हैं तो फिर ये जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका यूज़ करते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बाद ये धनिया जो है काफ़ी सारा मैं ले आई थी, इसको मैंने सूखने रख दिया है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली सूखा नहीं है और इसकी मैंने चटनी ही बनाई। दोनों बच्चे कोचिंग से आए नहीं हैं, अभी इवनिंग का ही समय है, तो चाय के साथ साथ ही चाय जहाँ बन रही है एक गैस पे, तो साथ साथ ही मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने आज हर बार तो जो लौकी है उसे फांकों में कट करके डालती हूँ, आज मैंने इसे अच्छे से क्रश करके डाला है ताकि बच्चे इसे खा लें। क्योंकि जब हम फांकों में सब्जियों को डाल देते हैं ना, तो ये फिर उसको अलग से निकाल के रख देते हैं, तो ये चीज़ मैंने सोच ली। और फिर इसके बाद में मैंने ये करेले जो है नेक्स्ट डे के लिए इनका भी प्रिपरेशन करके छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है चाय बनते बनते ही मैंने की। और उसके बाद जब बच्चे आ गए हैं सेंटर से आ गए दोनों बच्चे पढ़ के, तो इनके लिए छाछ बना रही हूँ। वैसे कई बार इनके लिए दूध कॉन्फ्रेंस वगैरह भी बना देती हूँ, आज इनका छाछ का मन था तो वो मैं बना के दे रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद में बच्चों के कमरों में मैं आ गई और यहाँ पर कमरे बहुत ही ज़्यादा फैले हुए थे। तो फ्रेंड्स, हेल्थ अच्छी रहे हमारी, इसके लिए ये भी ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हमारा जो घर है एकदम अच्छे से क्लीन हो, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तो इससे मन में एक उलझन नहीं रहती है और फिर हमारा जो माइंड है वो भी अच्छा रहता है, और मन अच्छा रहता है तो तन भी अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पर ये बच्चों की स्कूल की बॉटल्स जो हैं इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं। इनकी स्कूल की जो बॉटल्स हैं इन्हें एक या दो दिन में अच्छे से वॉश करके ज़रूर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं पीते हैं पानी तो कई बार इसमें जम्स वगैरह आ जाते, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों की स्कूल की बॉटल्स जो हैं वो ज़रूर धोकर रखें। क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि ये स्कूल की बॉटल ही है तो है, पानी तो पी रहे हैं इसमें, ये कहाँ गंदी हुई है, तो ये तो गंदी होती है फ्रेंड्स। बच्चे अपने मुंह से भी पीते हैं कई बार मुंह लगा के, तो वो जम्स जो हैं पैदा हो जाते हैं उसमें, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और साथ में जो ढक्कन होता है उसे भी अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए। अच्छी हेल्थ के लिए हमें अपने जो कपड़े डेली में हम पहन रहे हैं तो उन्हें भी टाइमली हमें वॉश ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में स्वेटिंग भी होती है, पसीने वगैरह की कपड़े गंदे भी होते हैं। सर्दियों में भी हमें कपड़ों को अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए ताकि जम्स वगैरह उसमें ना आए। अगर किसी भी रीज़न से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। थैंक यू।